अन्नपूर्णा फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला, माउंट लोहत्से पर चढ़ाई करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला सुश्री प्रियंका मंगेश मोहिते ने माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो, माउंट मकालू आदि पे भी चढ़ाई की। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने आपको शिव छत्रपति महाराष्ट्र राज्य साहस पुरस्कार 2018-2019 से सम्मानित किया। आपको डीडी सह्याद्री मुंबई द्वारा सह्याद्री हिरकानी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। सुश्री प्रियंका मंगेश मोहिते को भूमि साहस के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री प्रियंका मंगेश मोहिते। लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार, सेना मेडल। लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार सेना मेडल ने माउंट एवरेस्ट, माउंट कानामो, माउंट जोगसे, माउंट लोबुचे, माउंट जोगेन आदि विभिन्न पर्वत चोटियों पर चढ़ाई की और अनेक पर्वतारोहण अभियानों का नेतृत्व भी किया। लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार सेना मेडल को भूमि साहस के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल जय कुमार, सेना मेडल। कर्नल अमित बिष्ट, सेना मेडल। कर्नल अमित बिष्ट सेना मेडल ने अल्पाइन शैली में हर्सिल हॉर्न 2 की चढ़ाई सहित अनेक अनाम चोटियों के अभियानों का नेतृत्व किया। इन्होंने फ्रांस में माउंट ब्लां पर एक ही दिन में 1800 मीटर की चढ़ाई करने के साथ साथ वापसी में 2650 मीटर नीचे उतरने का रिकॉर्ड बनाया। 8 दिनों में 4 अनाम चोटियों पर पहली चढ़ाई करने के लिए 8 सदस्यीय टीम का इन्होंने नेतृत्व किया। इनका नाम लिम्का बुक ऑफ इंडियंस रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। इन्होंने विंटर कंडीशनिंग और आपदा प्रबंधन पर चिकित्सा अभियान सह प्रशिक्षण का आयोजन किया। कर्नल अमित बिष्ट सेना मेडल को भूमि साहस के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाता है। कर्नल अमित बिष्ट सेना मेडल। सुश्री शीतल। माउंट कंचनजंगा पर चढ़ाई करने वाली सबसे युवा महिला होने का गौरव प्राप्त सुश्री शीतल ने अपना नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया है। इन्होंने अन्नपूर्णा 1, माउंट स्टोक कांगड़ी, माउंट द्रौपदी का डांडा 2 और कुछ अनाम चोटियों पर भी चढ़ाई की। सुश्री शीतल को भूमि साहस के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री शीतल।
श्री श्रीकांत विश्वनाथन। श्री श्रीकांत विश्वनाथन ने ओपन वाटर स्विमिंग का ट्रिपल काउंट पूरा किया, जिसमें इन्होंने मैनहट्टन आइलैंड स्विम को 8 घंटे 7 मिनट, कैटरीना चैनल को 13 घंटे 4 मिनट और इंग्लिश चैनल को 14 घंटे 7 मिनट में तैरकर पार किया। इनका नाम इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे अधिक उम्र के भारतीय के रूप में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। श्री श्रीकांत विश्वनाथन को जल साहस के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाता है। श्री श्रीकांत विश्वनाथन। लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश डडवाल, सेना मेडल। लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश डडवाल सेना मेडल ने एक डुओ द्वारा 2 वर्षों में सबसे ज्यादा 328 एक्सेलरेटेड फ्री फॉल स्काई डाइव्स करने और पहली बार दिव्यांग लेग एम्प्यूटी स्काई डाइव करने का गौरव प्राप्त किया। इसके लिए इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। पिछले 3 वर्षों में इन्होंने 166 कार्मिकों के लिए बेसिक और रिफ्रेशर स्काई डाइविंग कोर्स आयोजित किए, जिनमें 1531 जंप किए गए। लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश डडवाल सेना मेडल को वायु साहस के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश डडवाल सेना मेडल। ग्रुप कैप्टन जय किशन। ग्रुप कैप्टन जय किशन ने अनेक महत्वपूर्ण चोटियों पर चढ़ाई की है, जिनमें नॉर्थ कोल से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई, माउंट लहोत से, माउंट डेनाली अलास्का यूएसए, माउंट एकॉनकागुआ अर्जेंटीना आदि शामिल हैं। इन्होंने क्लीन माउंटेन ग्रीन माउंटेन अभियान दार्जिलिंग में पहली बार तेंजिंग नॉर्गे एमटीबी इंटरनेशनल साइकिल रेस, पर्वतारोहण संस्थानों के लिए प्रमोशनल स्काई डाइविंग जंप, स्थानीय बेरोजगार युवाओं के लिए रॉक क्लाइंबिंग प्रशिक्षण, जीवन रक्षा और आपदा प्रबंधन साहस शिविर, मिशन माउंटेन टू ओशन क्लीनिनेस ड्राइव जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 15,000 फीट से अंडमान निकोबार द्वीप 0 फीट तक पहली बार आयोजित स्वच्छता अभियान है, जैसे अनेक अनूठे अभियानों की शुरुआत की और उनका सफल संचालन किया। आपको तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2009 वायु साहस श्रेणी से सम्मानित किया गया। इन्होंने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए, जैसे राजपथ पर पहली बार लो लेवल पैराशूट फॉर्मेशन और इन्वर्टेड पैराशूट फॉर्मेशन स्काई डाइविंग करना। इन्होंने 27,500 फीट की ऊंचाई से एवरेस्ट शिखर से सबसे ऊंची स्काई डाइव करने वाले पहले भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया। इनको इन्वर्टेड पैराशूट फॉर्मेशन, दुनिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर से स्काई डाइव करने, दुनिया की सबसे ऊंची स्काई डाइव लैंडिंग करने वाले पहले भारतीय होने का गौरव भी प्राप्त है। श्री जयकिशन को जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए तेंजिंग नॉर्गे